दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने पोको मोबाइल की जो कैमरा की जो सेटिंग है उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पोको का कोई भी स्मार्टफोन हो, M2 हो या C3 हो या X3 Pro हो, ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और आपकी कैमरा की जो सेटिंग है ख़राब हो गई है उसे आप कैसे सही करेंगे इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अभी से लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का जो भी पावर वाला बटन है उसे दबाएंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद पोको का स्मार्टफोन है उसे आप रिबूट कर देंगे, ठीक है। रिबूट करके ये ऑटोमेटिक ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद आप कैमरे पे क्लिक करेंगे, कैमरे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आपको 3 डॉट मिल जाएंगी लेटी हुई, उन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे जैसे मैंने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ ओके करेंगे अब आपके कैमरे के अंदर जो भी दिक्कत थी, जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, वहाँ सही हो गई होगी, ठीक है, और आपकी कैमरा की जो सेटिंग थी वो एकदम सही हो गई होगी पहले जैसे कि आपके फ़ोन के साथ में, यानी कि जिस फ़ोन के साथ में जो भी सेटिंग आई थी, जैसा कैमरा सही था उसी तरीके की, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। पोको से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।